मध्य प्रदेश में जैस यानी जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने 2023 चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे की तैयारी शुरू कर दी है। जैस के संरक्षक और मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने दलित आदिवासी ओबीसी और मुस्लिम संगठनों के साथ मंच साझा किया, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कहा, हम युवाओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उनका संगठन 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इस दौरान अलावा ने कॉमन सिविल कोड को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने 2023 चुनाव के लिए अन्य दलों के साथ गठबंधन शुरू कर दिया है। इसके लिए भोपाल में जेएस ने अन्य पार्टियों के साथ बैठक की। बैठक में जेएस के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर हीरालाल अलावा के साथ रीवा के पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल, समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता तौकीर अली निजामी शामिल हुए। वहीं बैठक में बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी भी मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर अलावा ने कहा कि जैस महापंचायत में हमने संकल्प लिया था कि युवा नेतृत्व के तहत 2023 और 2024 के चुनाव में नए युवाओं को चुनाव लड़ाएंगे। हम प्रदेश में नया युवा नेतृत्व देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने 10 संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। अलावा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के कॉमन सिविल कोड के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करने के पहले अमीरी गरीबी की संपत्ति का बंटवारा करे। देश में कुछ बड़े उद्योगपतियों के खजाने भरते जा रहे हैं। कोरोना काल में गरीब दलित आदिवासियों के घर बिक गए। जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023 के लिए हमने नया नारा दिया है कि युवा नेतृत्व 2023 में लाएंगे और सर्व समाज जोड़ो अभियान के तहत हम सबको जोड़ेंगे। उसी के तहत आज सभी अलग अलग समाजों के अलग अलग जातियों धर्म के प्रतिनिधि थे, अलग अलग राजनीतिक दल के जो छोटे छोटे राजनीतिक दल, कम से कम 10 राजनीतिक दल और 10 सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि थे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में युवा नेतृत्व के लिए मिशन 2023 के लिए मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। भाजपा से निष्कासित प्रीतम लोधी भी इस दौरान बैठक में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में उन्होंने पूरा समय दिया, बीजेपी से वो नहीं निकले हैं, उन्हें बीजेपी ने निकाला है। अब वे नए संगठन के साथ 2023 में चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस दौरान रीवा से पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल सवर्णों को पानी पी पी कर कोसते नजर आए। उन्होंने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को मिले 10% आरक्षण पर भी सवाल खड़े किए। आज जयस का कार्यक्रम है और इसमें कुछ संगठन के लोग भी आए हैं प्रदेश से। उन संगठनों के साथ हम भी जयस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। जहाँ जयस के हमारे अलावा जी नेतृत्व कर रहे हैं, हम उनका साथ देंगे। और मध्य प्रदेश में 5-6 पार्टियों को हम एक छत के नीचे लाना चाहते हैं और सारे लोगों को, जैसे आप पार्टी है, समाजवादी है, बहुजन समाज पार्टी है, जयस पार्टी है, गणतंत्र पार्टी है, ऐसी पार्टियों को हम लाकर और 50 सीटों को हम टारगेट करेंगे। केवल 50 सीटों पर लड़ेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।